तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। मेरा नाम है आकाश झा, मैं आप सभी का अपने एक और नए कमाल के ब्लॉग पर करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों आज है तारीख 26 और दिन के सुबह के बज रहे हैं दोस्तों 6:52। और दोस्तों आज दिन है संडे और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि दोस्तों जो चैत्र की नवरात्रि अभी चल रही है, चैत्र की नवरात्रि। दोस्तों मैंने काफ़ी दिनों से ब्लॉग अपलोड कर नहीं पाया, जब से अपन वृंदावन से लौट के आए तब से मैंने ब्लॉग शायद एक भी ब्लॉग अपलोड नहीं करा, एक ब्लॉग अपलोड करा है उसके बाद में। और उसके बाद में दोस्तों अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर अपन ब्लॉगिंग करें और आप लोगों का मुझे उसमें सहयोग और सपोर्ट चाहिए। दोस्तों आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को देखते जरूर हैं लेकिन चैनल को करते नहीं है सब्सक्राइब, तो चैनल को दोस्तों कर दे सब्सक्राइब। और दोस्तों आज का सीन ऐसा है कि अभी अपन चलने वाले हैं 10 बजे, अभी 10 बजे तक अपन चलेंगे फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जो अपना माल वगैरह है वो रख के आएंगे और उसके बाद में मैं आपको लेके चलूंगा काफ़ी अच्छी एक ऐसी जगह पे घुमाने के लिए। और दोस्तों चलो आज का व्लॉग अपन करते हैं स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। देखिए गाइस हर्षित क्या कर रहा है। रुद्र गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। चलो गाइस, तो रुद्र की तरफ से आप लोगों को गुड मॉर्निंग मिल गई है और उसके बाद में चलो अपन चलते हैं, उसके बाद में चाय वगैरह पीते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और चलते हैं कंपनी। चलिए चलो दोस्तों देख लेते हैं चाय बन रही है कि नहीं बन रही है। वो तो रही है तैयारी चाय की। क्या बनी चाय? अभी बने हैं दोस्तों पराठे बन रहे हैं और चाय की तैयारी हो रही है, तो चलो पराठे और चाय करते हैं उसके बाद निकलते हैं कंपनी। पराठे के साथ में दोस्तों चाय इतनी प्यारी लगती है कुछ मत पूछो आप। और मेरे सामने देखो, सामने का व्यू, ये गार्डन। अभी तक तो देखो पंडित ने मंदिर भी नहीं खोले, वो 7 बज गए, अब खोल रहा है 7 बजे पंडित। चलो बाबू सबको गुड मॉर्निंग बोलो, अर्षित गुड मॉर्निंग बोलो सबको, इधर देख लो वीडियो में। हमको नहीं बोलना अभी, हम कुछ है सबसे, कोई भी हमारे पापा का चैनल सब्सक्राइब नहीं करता है, ऐसे बोलो बोलो। हाँ तो चलो दोस्तों चलो। तो गाइस बच्चे की तो बात मान लो, कम से कम चैनल को तो कर दो सब्सक्राइब। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अंत में जाके अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। उससे क्या होगा, मेरे को उत्साह और उमंग मिलेगी आप लोगों के लिए एक से एक कॉन्टेंट लाने के लिए। और दोस्तों आप यकीन मानिए, अपन मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे कॉन्टेंट लेके आऊंगा कि ऐसी ऐसी जगह लेके आऊंगा घुमाने के लिए, आपको ऐसी जगहों पर ले जाऊंगा, बस आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मेरी दाढ़ी हो रही है काफी बड़ी और उसके बाद में चलो आज अपन कोशिश करते हैं दाढ़ी को सेट कराने की। आज अपन दाढ़ी सेट कराएंगे, अगर जल्दी फैक्ट्री से आ जाते हैं तो दाढ़ी जरूर सेट कराएंगे। काफ़ी ये जो साइड में देख रहे हैं ना, ये काफ़ी गंदे लगते हैं। और दोस्तों आपको एक बात बताऊं, आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे कि उसमें मेरे काफ़ी बड़े बाल थे और अभी इतने छोटे कैसे हो गए। तो दोस्तों आज मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा बच्चा हुआ था हर्षित के क्या मूल पड़े थे, तो मूल में मुझे बाल देना पड़े और अभी काफ़ी दिनों में 6-7 महीने तक तो बाल आना ही नहीं है, तब तक तो बालों की तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन बाल दाढ़ी काफ़ी जल्दी आ गई मेरी। चलो आज दाढ़ी कराएंगे अपन क्लीन और अच्छा लगेगा। चलो सुबह सुबह करते हैं अपन नाश्ता। नाश्ते में मिल गए हैं दोस्तों अपन को 2 पराठे, उसके बाद में दोस्तों सब्जी से मेरे को जमता नहीं है तो मैंने लिए 3 मिर्ची जो कि फ्राई करवाने के बाद में ये करते हैं अपन नाश्ता। तो चलो गाइस पराठे खाते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे और उसके बाद निकलेंगे अपन कंपनी फटाक से और माल रख के आएंगे और आपको लेके चलूंगा मैं बढ़िया अच्छी जगह पर घुमाने के लिए। तो बने रहिए ब्लॉग में। चलो नाश्ता कर लो, आ जाओ। चलो गाइस हर्षित आ गया है अपने पास अपने गोद में, अपन इसको खिलाते हैं और उसके बाद में दोस्तों चलते हैं कंपनी। बने रहिए ब्लॉग में, अभी सो के उठे शेर हमारा। तो चलो गाइस हर्षित आ गया अपनी गोद में, कर रहा है मस्ती, अब चलते हैं अपन दोस्तों इसको खिलाते हैं और उसके बाद में अपन चलेंगे फैक्ट्री में। देखो इतना बदमाश हो गया है दोस्तों, रात भर नहीं सोता है और ना सोने देता है, देखो बदमाशी कर रही है। अभी भाई साहब सो के उठे, गुड मॉर्निंग हुई है अभी भाई साहब की, 8 बजे का टाइम है, पूरा दिन ऐसे ही चल। चलो गाइस चलते हैं कंपनी, चलिए और सुबह देखिए मॉर्निंग हुई भाई। ये सामने रोड है दोस्तों, अभी बज गए 8 और एकदम खाली रोड पड़ा है और जब अपन सुबह 5:30, 5:30 बजे आएंगे तो पूरा खचाखच भरा रोड रहता है। चलो गाइस आ गए हैं फैक्ट्री में, करते हैं काम, रुकेंगे 10-11 बजे तक, उसके बाद मिलते हैं अपन घर पे नहाने धोने के बाद में। चलो बने रहिए ब्लॉग में, 11 बजे तक रुकूंगा कंपनी, उसके बाद ले चलूंगा। तो चलिए गाइस आ गए हैं अपन फैक्ट्री से काम करके और अभी बज गए हैं दोस्तों 11:30 हो गए हैं, 11:30 बजने वाले हैं दोस्तों। अब अपन सोचते हैं कि अब चलने वाले हैं अपन ये शेव करवाने के लिए। और दोस्तों अब मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने कभी देखा है
आप लोगों ने देखे होंगे छोटे छोटे चने के पेड़, छोटे छोटे चने के पेड़ आज तक मैंने भी देखे हैं कि छोटे छोटे चने के पेड़ होते हैं। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद जो ब्लॉग आएगा उस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया का सबसे बड़ा चने का पेड़। क्या आप पहले ही वो सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो वहां पर लेके चलूंगा मैं आपको बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप वाले ब्लॉग के मैं टारगेट रखता हूँ दोस्तों, जाना नहीं, 1 लाख व्यूज, 10,000 लाइक और 1,000 सब्सक्राइबर्स दोस्तों, इतना तो आप लोग मेरे साथ करवा ही सकते हैं अगर चने का पेड़ देखना है तो, दुनिया का सबसे बड़ा चने का पेड़। और दोस्तों मैं बता दूं चने का पेड़ छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा चने का पेड़ देखिए, रुको बताओ, ये जो सामने इतना बरगद दिख रहा है ना, बरगद की तरह, इस बरगद की तरह विशाल चने का पेड़ है। तो दोस्तों आप लोग भी सोचोगे इतना बड़ा चने का पेड़ कहाँ है, तो दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा मैं आपको बाद में, तो बने रहिए ब्लॉग में। बड़े सेट कर दो इसको। सो गाइस आ गए हैं अपन एकदम बियर्ड वगैरह कटवा के, और कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों मेरी बियर्ड कैसी लग रही है। लेकिन मैंने मेरी इच्छा तो थी उसको सेट कराने की, लेकिन क्या दोस्तों गर्मियों का टाइम है अभी और हम लोग ऐसा हार्ड काम करते हैं तो जो पसीना वगैरह और मिट्टी वगैरह पूरी दाढ़ी में जाती है उससे पिंपल्स होते हैं, इसलिए मैंने पूरी क्लियर करवा दी है। और कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों पहले अच्छी लग रही थी कि अब अच्छी लग रही है। और दोस्तों आज है संडे, और संडे के दिन दोस्तों मेरा प्लान है शाम के टाइम आपको कोई अच्छी जगह पर ले जाऊँ मैं, और आज मेरे भैया के यहाँ पे एक सत्यनारायण भगवान की कथा भी है तो पहले तो अपन वहाँ चलेंगे। और उसी के पास में आज एक ऐसा मंदिर है हमारे पास में ही जो पूरा सीमेंटेड मंदिर बना हुआ है, वाले मंदिर में आपको ले चलूंगा मैं, शंभू मंदिर शंकर भगवान को समर्पित है। तो बने रहिए ब्लॉग में और इंतजार करना, शाम को अपन चलेंगे उस मंदिर में जहाँ पर पूरा सीमेंटेड मंदिर है और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, हमारे घर से 1 किलोमीटर भी नहीं है, 500 मीटर की दूरी पर है वो मंदिर। तो चलो बने रहिए ब्लॉग में, चलते हैं अपन उन पर। हेलो गाइस पहुंच गए हैं फाइनली अपन उस मंदिर में जो मैंने आपको बताया था, मंदिर पूरा सीमेंटेड बना हुआ है, ये भगवान शंकर को समर्पित है। चलो मंदिर को करते हैं अपन एक्सप्लोर, चले गाइस करते हैं मंदिर एक्सप्लोर। चलिए गाइस काफी भव्य मंदिर बनाया है दोस्तों, पूरा सीमेंटेड मंदिर है दोस्तों ये, लेकिन अंदर क्या है वीडियोग्राफी वर्जित है इसलिए अपन बाहर से दिखा रहा हूँ आपको। ये दोस्तों सामने ही बना है एक बड़ा गार्डन, ये देखिए उसकी दो पत्नियां थी घुष्मा और सुदैहा, मैंने उसके पुत्र को मार के सांप वगैरह लगे हुए दोस्तों, काफी खूबसूरत मंदिर बनाया गया। तो चलो गाइस आ गए हैं अपन घर पे, जैसे कि आपको मैंने लेके चला था वहाँ पे श्री शिव के मंदिर में जो कि पूरा सीमेंटेड मंदिर था दोस्तों, उसके अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था इसलिए मोबाइल लेके गया नहीं मैं अंदर, जो बाहर से आपको मैंने कवर कर दिया है। और दोस्तों इस मंदिर को आने के लिए आप लोगों को आना, अगर आप इंदौर से रहते हैं तो आप लोगों को आना पड़ेगा पीतमपुर, पीतमपुर से 7 किलोमीटर दूरी पर है सावरकुटी, सावरकुटी में है दोस्तों धर्मकुंज, धर्मकुंज में यह मंदिर स्थित है, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, जितना वीडियो में अच्छा लग रहा है उससे खूबसूरत आपको आप उसे देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर करता हूँ एंड, और तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अपन न्यू नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ में, बने रहिए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय माता दी, टेक केयर।